शोरकोट के कदीम तारीखी नवा में मौजा हजरत सुल्तान बहू जंगल और बयाबान को बदलते हुए आज एक रोशन मीनार नजर आता है। सुल्तानुल आरफीन हजरत सखी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह के दरबार आलिया के गिर्द आबादी और दुकानें हैं, मगर जायरीन की निगाहें उस अजीम सूफी और आरफ की ज्यारतगाह की मुतलाशी होती हैं जिसने इस इलाके की किस्मत बदल दी। उजाले ने अंधेरे को अपनी लपेट में ले लिया और यूं इस वीराने में जैसे बाहर आ गई। शोर शहर ते रहमत वसे जिथे बाहु जाले हु, बाग बाना दे बूटे वांगू तालिब नित संभाले हु। सुल्तानुल आरफीन के दरबार शरीफ का बैरूनी दरवाजा तालिबान हक के लिए सारा साल खुला रहता है। यूं अल्लाह के वली की खानकाह में दाखिले के लिए किसी वक्त की पाबंदी नहीं। हजरत सखी सुल्तान बहू अलैह रहमत मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में हाफिज मोहम्मद बाजैद के घराने में 1629 ईस्वी में पैदा हुए। आप अमीर जुबैर इब्ने अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमुल्ला वजहू की औलाद में से हैं। सुल्तानुल आरफीन की तालीमात कुल इंसानियत के लिए हैं। आप जोर देते रहे कि नफसानी ख्वाहिशात को तर्क कर देना चाहिए और अपने आप को उस रब्बे कायनात की गुलामी में दे देना चाहिए जो इंसानियत ही नहीं बल्कि कुल कायनात का खालिक है। रब को समझने के लिए हुसूल इल्म को किबला हजरत साहब ने लाजमी करार दिया। हुसूल इल्म और फैजान सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के मुतलाशी दिन रात 24 घंटे हाजिर होते हैं। सुल्तानुल आरफीन सखी सुल्तान बहू अलैह रहमत के मज़ार मुबारक का तावीज़ फ़कीर के सुल्तानी पलंग में नज़र आता है जो अकीदतमंदों की अकीदत और फ़नो हुनर का हसीन कारनामा है। मज़ार मुबारक का तावीज़ जिस सुल्तानी पलंग में है उस पर नक्शो निगार पंजाब और सिंध के फ़नकारों के फ़नकाराना हाथों का मुँह बोलता सबूत है। शोरकोट के गिर्दो नवाह की बंजर ज़मीन पर जब नूर व इरफान की बारिश के कतरे गिरने शुरू हुए तो हर सू उजाला फैल गया। गुमराही और तारीकी में डूबे दिलो दिमाग हिदायत और रोशनी की आमाजगाह बनने लगे। यूं वो पैगाम जो सखी सुल्तान बहू अलैह रहमत मखलूक खुदा तक पहुँचाना चाहते थे चार सू गूंजने लगा। अलफ अल्लाह चबे दे बूटी अलफ अल्लाह 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 अलफ अल्लाह चबे दे बूटी मुर्शिद मन विच लाई हूँ मुर्शिद मन विच लाई हूँ
नफी असबाद दा पानी मिलियस, नफी असबाद दा पानी मिलियस, हर लगे हर जाई हूँ برسوں سے گوروں کے دیس میں بسیرا کرنے والے ڈی ایم ڈیجیٹل کے چیئرمین اور ممتاز قانوندان ڈاکٹر لیاقت ملک جب بھی اپنے آبائی وطن کا رخ کرتے ہیں تو اللہ کے دوستوں کے ہاں ضرور حاضری دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل جب ڈاکٹر لیاقت ملک نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دھرتی ماں کا دورہ کیا تو انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ دربار عالیہ حضرت سخی سلطان بہو علیہ رحمت پر حاضری دی۔ اس موقع پر جناب نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ کل امت مسلمہ کے لیے انتہائی عجز و انکساری سے اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور التجا کی۔ جو دم غافل سو دم سانو مرشد پڑھایا سنیا سخن گئیا اسا چت مالا بل لایا جو دم غافل سو دم حضرت باہو تے پھل پکے تا کھائے ہو ایسا مرشد کامل ہوئے تے جڑا دھوبیاں وانگو چھٹے ہو نال نگا دے او پاک کریں دا تے وچ سجی سبون نا گتے میلیا نو کری چٹیا دے وے تے وچ ذرا میل نا رکھے وچ سیا کوہاں دے میرا مرشد وسدا یاد رت باہو تے من وچ نگاہ دے رکھے او سین سن فریا دپیرا دیا پیرا تے میا آنکھوں سناواں کینو تیرے جیا میں نے ہور نہ کوئی تے میں جیا لکھ تینو میلیا نو کری چٹیا دے وے تے وچ ذرا میل نہ رکھے ہو وچ سیا کوہاں دے میرا مرشد وسدا یاد رت باہو